हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से एक है। बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे उस दिन का बेसब्र होकर इंतजार करते हैं जब उन्हें साल भर की कड़ी मेहनत का फल इस अवार्ड के रूप में मिलता है। मुंबई में 20 फरवरी को आयोजित हुए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर और बॉबी देओल तक ने बाजी मारी है। जी हाँ, मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में कई सितारों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कुछ ही सितारे ऐसे थे जिनको इस अवार्ड को थामने का सौभाग्य मिल पाया। इस साल जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर और नयनतारा को फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नवाजा गया। वहीं फिल्म एनिमल के लिए बॉबी देओल को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड दिया गया। एनिमल के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नवाजा गया। वहीं बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स की बात की जाए तो विकी कौशल को सैम बहादुर के लिए ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए वरुण जैन को तेरे वास्ते और जरा हटके जरा बचके गाने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए शिल्पा राव को बेशर्म रंग और पठान के टाइटल ट्रैक के लिए अवार्ड दिया गया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज इन वेब सीरीज के लिए करिश्मा तन्ना को स्कूप के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए के.जे. येसुदास को चुना गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बने अनिरुद्ध रविचंदर। वहीं टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर है गुम है किसी के प्यार में। बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज के लिए नील भट्ट को चुना गया और बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज बनी रूपाली गांगुली। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के विनर की लिस्ट सामने आने के बाद इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इन स्टार्स के फैंस बधाई देते हुए भी नजर आए। वहीं अवार्ड जीतने के बाद शाहरुख खान ने सभी को थैंक यू बोला और कहा, इसके मिलने का मुझे एहसास ही नहीं था। आगे कहा कि कई साल से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे नहीं मिला, मैं थोड़ा लालची हूँ और इस अवार्ड को पाकर बहुत खुश हूँ। वैसे सोचने वाली बात है कि साल 2023 शाहरुख खान के लिए बेहद शानदार रहा। किंग खान की फिल्म पठान ने जहाँ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, वहीं इस फिल्म में कमाई के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े। लेकिन इसी साल यानी कि 2023 में शाहरुख की दूसरी फिल्म जवान भी रिलीज हुई, जिसने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। जवान ने भारत को 604 करोड़ से ज्यादा की कमाई दी थी। इसी के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 900 करोड़ के पार रहा। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान, बॉबी देओल, नयनतारा, करीना कपूर, सुनील ग्रोवर, आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शाहिद कपूर, विक्रांत मसीह, रानी मुखर्जी समेत कई कलाकारों ने शिरकत की। शाहरुख खान फिल्म फेयर से चूके तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिलहाल इस शो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।